आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बेखौफ उचक्कों ने एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा बैग उड़ा दिया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उचक्के ने किस तरह से कार का शीशा तोड़ा और उसमें रखा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के निर्यात भवन कॉम्प्लेक्स की है, जहां एक व्यक्ति अपनी कार खड़ी कर कुछ काम करने चला गया था। इसी दौरान 2-3 की संख्या में युवक कार के पास पहुंचे, उनमें से एक ने कार का पिछला शीशा तोड़ दिया और बैग लेकर भाग गया। कार मालिक ने बताया कि बैग में कई बेहद जरूरी कागजात हैं और पावर बैंक था। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र जी, क्या है पूरी घटना? अरे हम आए थे आधार अपडेट कराने, यही कृष्णा डिजिटल के यहाँ। जब मैं वहाँ गया तो लौट के जब आया, देख रहा हूँ कि पीछे की शीशा तोड़ करके कोई चोर मेरा ऑफिस बैग और पूरा सामान उठा ले गया है। क्या क्या था बैग? बैग में हमारे इंपॉर्टेंट कागज़ हैं, डायरी है, ऑफिस डायरी है, पावर बैंक है, चार्जर है। आप सीसीटीवी वगैरह भी देखा आपने? क्या देखा? हाँ देखा, हमने उनके संजय भैया के यहाँ देखा है, उसमें चोर का सारा तस्वीर सारे वो आ गए हैं, कैसे कैसे घटना किया। उसमें चार लोग थे और सब जो है रैकिंग करके उसके बाद शीशे को तोड़ करके और बाकायदा निकाले हैं, ले जाते हुए दिखे हैं पूरे बीड़ा ग्राउंड में, जो उन लोगों ने जो है राउंड करके गए हैं। तो अब हम लोगों ने आपके इनके कोतवाली एसआई को हमने एप्लीकेशन भी दे दी है, उसको छानबीन करके पकड़े। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।